है क्या ये? तब से अगर लेफ्ट में आना था तो राइट में पहले एम्बुलेंस को ना साइड नहीं देंगे, पहले हम लोग सीधा भागेंगे जितना दूर हो सकता है। Yo bros, I just hope you are doing absolutely fine. So bros, आज का वीडियो जो है तुम जान ही गए होगे, फर्स्ट सर्विसिंग में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है और कितना बिल आता है और उन लोग क्या क्या करते हैं सब हम देख लेंगे एक शॉर्ट वो में। लेकिन उससे पहले तुम देख ही लिए होगे वो एम्बुलेंस को रास्ता नहीं छोड़ रहा था और तुमने भी काफ़ी सारा ऐसा सिचुएशंस फेस किया होगा जहाँ तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता होगा ऐसे लोगों को देख के। तो हम यहाँ पहुंचे आरी के सर्विस सेंटर और हुआ क्या? भाई कल हम आए थे शाम को, वो बोले थे कि गाड़ी लेके आना सर्विसिंग के लिए। कौन बोले थे? वो भैया एक चश्मा पहनते हैं। अच्छा सोहेल। हाँ नाम तो मुझे पता नहीं। भैया आप कल मुझसे मिले थे क्या? मैं यहाँ आया था, बोले थे 9:30 बजे गाड़ी ले आना, थोड़ा लेट हो गया। पहला सर्विसिंग मेरा, फर्स्ट सर्विसिंग है। कौन सा? हिमालयन। हाँ ये थे भैया। तो अभी पूरा स्लॉट बुक हो गया या हो जाएगा? पहले नहीं, करा देंगे भैया। ठीक है भाई। अरे वंशी, छोटा वंशी आया। एटम 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 है क्या है भट्टे? क्या नाम है तेरा? देख के पुकार रहा। एटन तो इसको ला लिया, आज गाड़ी पे बैठा के ला लिया। ये हमेशा गाड़ी में ही घूमता है अकेला। हाँ भाई। हाँ एटम 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 एटन एटन। हाँ मैं लिया, थैंक यू। सॉरी यही रहने तू? हाँ यहीं पे रहना। अच्छा उन लोग ले लेते अंदर? उन लोग ले लेंगे। हाँ। मुझे भी बोले अंदर लाने, तो इसलिए। क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में? नहीं फर्स्ट सर्विस है ना। हाँ। तो यहीं पे रहने ये लोग। वहाँ पे सब कुछ बहुत बढ़िया था। वहाँ पे जो सर्विस गाइस का बिहेवियर, उनका जो वे मुझे ट्रीट करने का और मेरे काम को प्रायोरिटी में लेके करने का, लाइक सिर्फ मेरे लिए नहीं सबके लिए, जस्ट बिकॉज मैं वहाँ पहले पहुँचा था तो मेरे काम को इसलिए उन लोग फर्स्ट प्रायोरिटी। और मतलब वहाँ का बिहेवियर, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का वेदर, वहाँ का लोग, इवन मुझे चाय ऑफर की, एटम के लिए इतना कंसर्न थे वहाँ पे। लोगों ने पूछा पानी चाहिए एटम के लिए, पानी ला के दिया वहाँ पे। बट ये सब के बाद एक बंदा, बस वो एक बंदा, वो कोई खराब बंदा नहीं है, बट ये है कि यू नो वो मुझे बस सेल करना चाहे अंडर प्रेशर, और अंडर प्रेशर वो बिल्कुल ठीक से वो नहीं कर पा रहा है। सो उसने मुझे पहले वो मैकेनिक जो काम करते हैं सर्विस गाइस, उन लोग मुझे बोले गाड़ी अंदर ले आओ। जैसे ही मैं ला रहा था तुम देखे हो गए, वो मुझे रोकने का कोशिश किया, फिर मुझे स्टोरी सुनाता है, जॉब कार्ड फिल किया, फिर मुझे स्टोरी सुनाता है, बोलता है कि किस लिए आए हो। भाई मैं पहले 50 बार मतलब इतने बार बोल चुका हूँ मैं फर्स्ट सर्विसिंग वहीं बैठा था, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करता है, फर्स्ट सर्विसिंग का खर्चा कितना आएगा, बोलता है अप्रॉक्सीमेटली 1500। मैंने कहा 1500 इतना ही? बोला हाँ इसमें आता है 585 रुपीज़ का चेन ल्यूब और चेन क्लीनर, बड़े बड़े, ठीक है, लाइक द 400 ml आई गेस। तो उसके छोटे साइज भी है जो उन्होंने मेरे बिल में जोड़ दिया है बाई डिफॉल्ट, बट ठीक है नो वरीज। बट छोटे वाले जोड़ना 185 वाला, तो जो भी हो। फिर मुझे बोलता है टेफ्लॉन कोटिंग कर लो। मैंने कहा यार नई गाड़ी है टेफ्लॉन कोटिंग? हाँ टेफ्लॉन कोटिंग 1 महीने में उतर जाता है। तो मैंने क्या, मैंने उसे कहा कि क्या एक बंदा हर महीने फिर टेफ्लॉन कोटिंग करवाएगा? नहीं सर, मतलब ऐसे वैसे आलतू फालतू एक्सक्यूज में, समझ गया ना चिपकाने वाला बंदा है। बट वो बहुत ख़राब चिपका रहा था। फिर मुझे कहा कि अगर आप अभी गाड़ी दोगे तो आपको शाम को मिलेगा। मैं वहाँ 10 बजे पहुँच गया था, बोलता 4 बजे आके ले जाना। मैं बोला भाई मुझे तो बोला गया कि अगर 9:30 बजे आऊँगा तो पहले मेरा गाड़ी हो जाएगा। नहीं प्रीवियस डे की गाड़ी है, मैंने ये मैकेनिक से क्लियर किया था कि प्रीवियस डे की गाड़ी को तुम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हो। बोले कि नहीं, जो पहले आ जाता है नेक्स्ट डे का हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो आप वो सब लोड छोड़ दो जो भी उनका प्रोसेस है, बट आप आओगे
9:30 बजे तो आपका गाड़ी को प्रायोरिटी में ले लेंगे। फिर ये बोलता है कि नहीं, एक और तरीका है, एक्सप्रेस सर्विस, 200 रुपये एक्स्ट्रा है उसके, तो कर दो। मैं बोला ठीक है भाई, अब मेरे पास आर्ग्यूमेंट करने का टाइम नहीं है, तो कर दे एक्सप्रेस सर्विस, एक चीज़ तो ले ही ले। तो बेसिक क्या क्या होता है, इंजन ऑयल चेंज वो तो कॉमन है, एक फिल्टर होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, वो R15 में भी है जहाँ से तुम ऑयल ड्रेन करते हो, स्क्रीन फिल्टर या कुछ ऐसे बोलते हैं, ठीक है, तो वो उसको निकाल के क्लीन किए। और नेक्स्ट हो गया कि ऑयल फिल्टर चेंज, चेन टाइट, ब्रेक पैड्स निकाल के घिसे सैंड पेपर में सो दैट उसका जो सरफेस है थोड़ा ज़्यादा रफ रहे और ब्रेक्स अच्छे से पकड़े, क्लच लीवर चेक किए, सारे लीवर्स और वो सब में ऑयलिंग किए, ऑयल फिल्टर कम्प्लीटली चेंज हुआ, नया ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर निकाल के उसको ब्लोअर से क्लीन किया, जबकि वो बिल्कुल गंदा नहीं हुआ था। मैंने पूछा कैसा कंडीशन है, बोला पूरा नया ही, ऑब्वियसली 500 किलोमीटर में कुछ नहीं होने वाला, द मेजर थिंग इज द इंजन ऑयल, इंजन ऑयल जो फर्स्ट इंजन चलने के बाद, मैंने ये चीज़ उनसे कंफर्म की क्या जो ड्रेन्ड इंजन ऑयल है क्या उसमें मेटल पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे, उन्होंने कहा हाँ होंगे। ये बात है इसलिए इंजन ऑयल ड्रेन करते हैं, उन्होंने भी यही चीज़ कहा, इसीलिए तो इंजन ऑयल को ड्रेन किया जाता है फर्स्ट 500 किलोमीटर्स में। सो ऑल इट वॉज, बाकी देख लो ऐसे ही छोटे छोटे, मैंने उस छोटे छोटे क्लिप्स दिखाए हैं। और फर्स्ट सर्विसिंग के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस कुछ फील नहीं हो रहा है, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा स्मूदर हो गया है। और जो बिल हुआ है, मैं बिल दिखाता हूँ एक सेकेंड। सो ये हो गया मेरा बिल, मेरा बिल है 1146 प्लस 118 विच इज़ लाइक दिस मच 1264। सो 1264 से ये जो चेन लूप और चेन क्लीनर है 185 रुपीज़ का अगर माइनस कर दोगे तो तुम्हारा बिल लगभग 900 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, ये ऑयल फिल्टर लगता है और 2 एंड हाफ लीटर्स आई गेस इंजन ऑयल लगता है। तो इंजन ऑयल काफ़ी सस्ता है इनका, लिक्विड गन 678 विच इज़ 1 लीटर ऑफ मोटुल 7100, सो प्रिटी गुड। और लगता है वो ऑयल फिल्टर, इवन ऑयल फिल्टर भी इनका काफ़ी चीप है कंपेयर टू यामाहा, इज जस्ट 99 रुपीज़। और 118 का पता नहीं कुछ जेल वगैरह लिखा है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस जेल, ए आई एम नॉट श्योर, बट दिस इज लेबर चार्ज। सो लेबर चार्ज के हिसाब से उसने मेरा लेग गार्ड लगाया था, सो प्रॉब्ली मेरा लेग गार्ड, तो तुम अगर ये लेग गार्ड का है तो तुम इसको माइनस कर सकते हो। मैंने ये तो चीज़ उससे लिया नहीं है, मुझे वापस जाके लेना है, मैं उस दिन हड़बड़ी में बिलिंग करा के निकल गया पे करके। यहाँ से ब्रेक पैड्स निकाल के ये सैंड पेपर से पॉलिश करके उसको वापस से लगाया गया, जस्ट बिकॉज ये एकदम ब्रांड न्यू होता है, इसलिए 500 में ये सारा चीज़ हो रहा है। और यहाँ से ऑयल फिल्टर भी चेंज होगा। सो अभी तक जो हुआ है, मेरा ब्रेक गार्ड लगानी है, जब से गाड़ी खरीदा गया है तो मैं सोच रहा फर्स्ट सर्विसिंग में चेंज करूँगा, यहीं पर पड़ा है मेरा लेग गार्ड, तो अभी ये लग जाएगा, बोल रहे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सो सही है कि अभी लगा दूँगा। जब मैं यहाँ आया अभी, मुझे एक गाड़ी दिखी, सर्विस गाड़ी है, जो कहीं पे भी अगर गाड़ियाँ बंद होती है, और ये हेल्प वाली गाड़ी है, तो इसमें लगे हैं साइड पैनियर, स्टॉप बॉक्स, बेसिकली इसमें इतना स्पेस है, देख सकते हो एक बड़ा सा पाना उसके आधे तक आ रहा है, विच मीन्स डबल द स्पेस। और हाथ घुसा के हम देख सकते हैं लाइक ऑलमोस्ट मेरे हाफ आम तक आ रहा है, सो क्वाइट स्पेसियस। ऑल राइट ब्रो, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, होप यू ऑल हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।